स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका स्वागत है। डिफरेंस इक्वेशन यानी अंतर समीकरण से संबंधित पिछले वीडियो में हमने जाना कि किस प्रकार से अंतर समीकरण को ग्राफ के माध्यम से बतलाया जा सकता है, अंतर समीकरण क्या होता है और अर्थशास्त्र में इसका क्या प्रयोग होता है, इस पर हमने पिछले वीडियो में चर्चा करी थी और ये बताया था कि अंतर समीकरण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। समरूप अंतर समीकरण होता है, दूसरा असमरूप होता है, यानी जिसमें अचर संख्या जुड़ी हुई होती है उसे असमरूप अंतर समीकरण की संख्या दी जाती है और जिसमें अचर संख्या नहीं जुड़ी हुई होती है उसे समरूप अंतर समीकरण की संख्या दी जाती है। उस वीडियो में हमने दो प्रकार के अंतर समीकरण पर चर्चा की थी। प्रथम क्रम का अंतर समीकरण, जिसमें हमने डिस्कस किया था कि प्रथम क्रम का अंतर समीकरण का हल किस प्रकार से निकाला जाता है। यदि वह समरूप है तो दो प्रकार के हो सकते हैं, प्रथम क्रम का समरूप अंतर समीकरण हो सकता है, प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण हो सकता है। दूसरी चीज, द्वितीय क्रम का अंतर समीकरण होता है वो समरूप भी हो सकता है, असमरूप भी हो सकता है। तो प्रथम क्रम का अंतर समीकरण किस प्रकार से हल निकाला जाता है उस पर हमने विस्तार से चर्चा की थी। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि यदि प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण आता है तो उसका हल किस प्रकार से किया जाता है। तो एक बार मैं रिपीट करता हूं कि प्रथम क्रम का अगर समरूप अंतर समीकरण है तो उसका हल किस प्रकार से हमने निकाला था और उसके बाद में हम प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण की चर्चा विस्तार से करेंगे। तो यहाँ देखिए, जहां पहली जो पोजिशन है, पहले जैसे मान लीजिए आया वाई टी बराबर ए वाई टी माइनस वन, ये प्रथम क्रम का समरूप अंतर समीकरण है। मैंने इसमें बताया था कि t बराबर अगर हम एक रखें तो y1 बराबर हो जाएगा ए वाई जीरो, t बराबर टू रखेंगे तो y2 बराबर हो जाएगा ए वाई वन और y1 का मान रखेंगे तो आएगा a गुणा ए वाई जीरो, तो ये जगह a की पावर स्क्वायर वाई जीरो। ये देखिए t बराबर 1 रखा तो आप देखिए पहला जो हमने इसको डिस्कस किया था उसको और अच्छी तरीके से एक बार वापस हम रिपीट कर लेते हैं। अंतर समीकरण है yt बराबर a yt माइनस 1, मैं अगर t का मान 1 रखता हूं तो y का y1 बराबर हो जाएगा a y1 माइनस 1 दैट इज a y0, ये समीकरण 1। t बराबर मैं 2 रखता हूं तो आएगा y2 बराबर a y2 माइनस 1 तो आएगा a y1 और y1 का मान क्या है a y0, तो अगर a गुणा ए वाई जीरो तो यहाँ आएगा a की पावर टू वाई जीरो। इसी प्रकार से मैं t बराबर 3 रखता हूं तो आएगा y 3 बराबर a, यहाँ 3 रखेंगे तो आएगा 3 माइनस 1 तो आएगा a y 2 और y 2 का मान ये रहा तो ये मान रखा तो आया a गुणा a 2 वाई जीरो तो यहाँ आएगा a की पावर 3 वाई जीरो। तो यानी y1 है तो a की पावर 1 रहेगी, y की पावर 2 रखी है तो a की पावर 2 रहेगी, y की पावर 3 रखी है तो a की पावर 3 रखेगी। इसी प्रकार से अगर मैं t को t ही रखता हूं तो yt बराबर हो जाएगा a की पावर t y0, ये हमारा प्रथम क्रम के अंतर समरूप अंतर समीकरण है। उसका हल जो हमने पहले वाले वीडियो में बहुत विस्तार से इसके बारे में चर्चा की थी कि किस प्रकार से प्रथम क्रम का अगर समरूप अंतर समीकरण है तो उसका हल निकाला जाता है, उसी क्रम में देखिए आज के इस वीडियो में देखते हैं कि अगर ये प्रथम क्रम का जो अंतर समीकरण है ये असमरूप होता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया वाई टी बराबर फाइव वाई टी माइनस वन माइनस एट और वाई जीरो अपने को दे रखा है सेवन, तो प्रथम क्रम के असमरूप अंतर समीकरण का हल ज्ञात करो, ये हमको पूछा गया अंतर समीकरण का हल पूछा गया है। अब देखिए इसका अगर प्रथम क्रम का समरूप लें तो आएगा y की पावर t बराबर 5 की पावर t गुणा x, ये इसका हल हो गया। अगर हम इसको इसका प्रथम क्रम का इसको असमरूप की जगह समरूप ले में तो आया yt बराबर 5 raised to power t x, जैसे हमने पहले कहा कि हर का y0 आता है, पहले वाले में यही तो हल आता था कि इसकी जगह अपन y0 लेते थे। अब देखिए मान लो मैंने yt बराबर yt माइनस 1 को एक स्थिर राशि z के बराबर मान लिया तो आएगा z बराबर 5z माइनस 8, तो z माइनस 5z बराबर माइनस 8, तो माइनस का 4z बराबर माइनस का 8, तो z बराबर आपका आ जाएगा 2, तो हमारा अंतर समीकरण हो जाएगा yt बराबर 5 की पावर t x प्लस
टू, ये अंतर समीकरण का हल हो गया। क्या करना है, पहले इसको समरूप को लेना है, तो 5 की पावर t के साथ आप x लिख दीजिए, ये आपका प्रथम क्रम का समरूप अंतर समीकरण का हल हो गया। फिर हमने माना t समय और t माइनस 1 समय की आय स्थिर है z के बराबर, तो ये हुआ z बराबर 5z-8, तो z माइनस 5z-8, तो z का मान आ गया 2। तो ये अंतर समीकरण, ये अंतर समीकरण का हल होता है y t बराबर a की पावर t x प्लस z के रूप में इसको रखना पड़ता है। तो यहाँ z का मान 2 आया तो हमने 2 रख दिया और a की जगह 5 है तो हमने 5 रख दिया। अब देखिए, अब मैं अगर t बराबर 0 रखता हूं तो यह आएगा y 0 बराबर 5 की पावर 0 x प्लस 2 और y 0 दे रखा 7, तो 7 बराबर x प्लस 2, तो 7 माइनस 2 इजिकल टू x, तो x बराबर हो गया 5। तो 5 हो गया, तो अंतर समीकरण का हल आ जाएगा y t बराबर 5 की पावर t मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 2, ये हमारे अंतर समीकरण का हल होगा। तो इस प्रकार से यदि प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण आता है तो पहले आप उसको समरूप मानकर हल करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, जो अचर संख्या उसकी घात को आप t लिख लीजिए, साथ में x करिए। मैं भी एक दो सवाल और कराता हूं तो आपको बहुत क्लियर हो जाएगा कि प्रथम क्रम का अगर असमरूप अंतर समीकरण आता है तो उसको किस प्रकार से हल करना है। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो आपको आसानी से आ जाएगा। जैसे देखिए, y t बराबर दे रखा है 3yt-1+20 और y 0 का मान दे रखा है -8। तो सबसे पहले इसका प्रथम क्रम का समरूप लें तो आएगा y t बराबर 3 की पावर t x। अब मैंने वर्तमान आय और पहले की आय को एक स्थिर राशि z के बराबर मान लिया, तो z बराबर हो जाएगा 3z+20, तो z माइनस 3z=20, माइनस का 2z=20, तो z का मान आ जाएगा -10। तो यहां हमारा समीकरण हो जाएगा y t बराबर 3 की पावर t x-z की जगह रख दिया 10। अब मैंने t बराबर 0 रखा तो आया y 0 बराबर 3 की पावर 0 x-10, y 0 का मान -8 बराबर x-10, तो -8+10 दैट इज x, x का मान आ गया आपका 2। तो अंतर समीकरण आपका हो जाएगा y t बराबर 3 की पावर t x-2-10, ये आपके अंतर समीकरण का हल। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से आप कोई भी अंतर समीकरण हो, चाहे समरूप हो चाहे असमरूप, हल कर सकते हैं। पहले इसका समरूप मान के आप x मान लीजिए, फिर आप क्या करिए, वर्तमान आय और पहले वाली आय को एक स्थिर राशि के बराबर मान लीजिए और इसका z का मान लगा दीजिए और अंतर समीकरण का हल के रूप में रखिए y t बराबर पावर a की पावर t गुणा x प्लस z, ये अंतर समीकरण के हल के रूप में रखिए। यहां एक ही जगह 3 है तो हमने 3 की पावर t लिखी, फिर x लिखा और z का मान यहाँ -10 आया, इसलिए यहाँ पर -10 लिखा, +10 आता तो +10 लिखते। इस प्रकार से अंतर समीकरण का यदि प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण है तो उसको बहुत आसानी से आप हल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो बहुत आसानी से हो जाता है। जैसे आपको क्वेश्चन दे रखा है y t बराबर -3yt-1+12, तो इसका छोटा समरूप हल होगा y t बराबर -3t/x। अब मैंने वर्तमान आय और पिछले वर्ष की आय को स्थिर राशि z के बराबर मान लिया, तो z बराबर आएगा -3z+12, तो z प्लस 3z=12, 4z=12 आएगा, तो z का मान कितना जाएगा 3। तो अंतर समीकरण हो जाएगा y t बराबर -3t/x+z दैट इज 3। अब मान लीजिए हम y 0 का मान दे रखा है 5, दे रखा है मैंने लिखा नहीं, तो यह 5 बराबर -3 की पावर 0 x+3, पावर 0 होगी उसका मान 1 हो जाएगा, तो 5 बराबर x+3, तो x का मान आ गया 5-3, तो x का मान आ गया 2। x बराबर क्या गया, x बराबर गया 2।
तो यहाँ ये अंतर समीकरण हो जाएगा वाई टी बराबर माइनस थ्री की पावर टी, एक्स का मान आएगा टू प्लस थ्री, ये अंतर समीकरण का हल आ जाएगा। तो बहुत इजी है, प्रथम क्रम का यदि अंतर समीकरण असमरूप होता है तो आप बहुत आसानी से इसको हल कर सकते हैं। मैंने आपको दो तीन क्वेश्चन करा दिए जिससे आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार से प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण आता है तो उसको हल करना है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, वाई टी बराबर ए वाई टी माइनस वन प्लस बी, और मैं मान लेता हूं वाई जीरो बराबर है के जीरो, तो इसका समरूप छोटा हल लेंगे तो आएगा वाई टी बराबर ए की पावर टी गुणा एक्स। अब मैंने वाई टी बराबर वाई टी माइनस वन को एक स्थिर राशि जेड के बराबर माना तो जेड बराबर आया ए जेड प्लस बी, तो जेड माइनस ए जेड बराबर बी, तो मैंने जेड कॉमन लिया तो वन माइनस ए बराबर बी, तो यहां जेड का मान आया बी अपॉन वन माइनस ए, इसमें रखेंगे तो आएगा वाई टी बराबर ए की पावर टी गुणा एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस ए। बिल्कुल वैसे का वैसे इसके अंदर हम जेड जोड़ते हैं, जेड का मान जोड़ दिया, क्योंकि अंतर समीकरण क्या होता है वाई टी बराबर ए की पावर टी एक्स प्लस जेड, यही तो है। तो अब मैंने टी बराबर जीरो रखा तो ये आएगा वाई जीरो बराबर ए की पावर जीरो एक्स प्लस बी अपॉन वन माइनस ए, और वाई जीरो का मान है के जीरो बराबर एक्स अपॉन बी अपॉन वन माइनस ए, एक्स बराबर हो गया के जीरो माइनस बी अपॉन वन माइनस ए। तो अंतर समीकरण हो जाएगा वाई टी बराबर ए की पावर टी के जीरो माइनस बी अपॉन वन माइनस ए प्लस बी अपॉन वन माइनस ए, ये आपका हल हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी कि अंतर समीकरण को हल करने में कोई दिक्कत आ रही है। बिल्कुल आप जैसा जैसा बोले वैसा वैसा चलते जाएंगे तो आ जाएगा। इसी को थोड़ा सा मोर चेंज करके करने की कोशिश करते हैं तो आपको बहुत अच्छी तरीके से आ जाएगा कि किस प्रकार से अंतर समीकरण जो है उसको हल किया जाता है। अगर देखिए मैं इसी सवाल को अभी जो हमने लिया उसी को ये लेते हैं, वाई टी बराबर फाइव ए वाई टी माइनस वन प्लस थ्री बी, और y0 बराबर रख दिया 10। ये देखिए प्रथम क्रम का, इसमें t नहीं है इसलिए यह अचर संख्या है, इसमें t है इसलिए अचर संख्या है, t के मान के साथ बदलेगी, तो इसका छोटा हल होएगा y t बराबर 5a की पावर t। हम इसको ऐसा करते हैं थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि गड़बड़ नहीं हो। तो देखिए मैंने मान लिया y t बराबर p y t माइनस वन प्लस q, और यहां y जीरो बराबर हमने मान लिया p प्लस q। ओके अब देखिए तो इसका छोटा लुआ y t बराबर p की पावर t गुणा x, तो y t बराबर y t माइनस वन को हमने स्थिर राशि z के बराबर माना तो z बराबर आया p z प्लस q, तो z माइनस p z बराबर q, z मैंने कॉमन लिया तो वन माइनस p बराबर q, तो z का मान आ गया q डिवाइडेड बाई वन माइनस p। इसमें जोड़ेंगे तो आएगा y t बराबर p की पावर t x प्लस q अपॉन वन माइनस पी, बी लिखा है वन माइनस पी, तो y जीरो बराबर p की पावर जीरो x प्लस q अपॉन वन माइनस पी, तो यहां y जीरो का मान लिखा p प्लस q बराबर x प्लस q अपॉन वन माइनस पी, सॉरी तो x बराबर हो गया p प्लस q माइनस q अपॉन वन माइनस p। इसको आप सीधा भी लिख सकते हैं, तो आप चाहे तो अंतर समीकरण का हल भी सीधा ये लिख देंगे, y t बराबर p की पावर t, x का मान रख दो, क्या रखो p प्लस q माइनस q अपॉन वन माइनस p,
प्लस क्यू अपॉन वन माइनस पी, ये आपका अंतर समीकरण का हल आ जाएगा। तो इस प्रकार से कैसा भी प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण आता है तो बहुत आसानी से आप उसको पहले समरूप का क्या करेंगे, जो भी पावर आती है उस पर एक्स लिख दीजिए, फिर वाई टी और वाई टी माइनस वन को जेड मान लीजिए, जेड का मान निकाल लीजिए, फिर इस राशि में वो जेड का मान जोड़ दीजिए और फिर टी बराबर जीरो रख के जो जीरो का मान दे रखा है वो रख दीजिए। बहुत आसानी से आप किसी भी प्रकार का अंतर समीकरण होगा उसका हल करेंगे। तो मैं समझता हूँ इस वीडियो के माध्यम से प्रथम क्रम का असमरूप अंतर समीकरण को किस प्रकार से हल किया जाता है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि यदि द्वितीय क्रम का समरूप अंतर समीकरण है तो उसको कैसे हल किया जाता है, और द्वितीय क्रम का असमरूप अंतर समीकरण है तो उसको हल कैसे किया जाता है। उसके बाद हम देखेंगे कि अंतर समीकरण का प्रयोग करते हुए हम किस प्रकार से मकर जाल की समस्या और या जो डेवलपमेंट मॉडल है उसमें किस प्रकार से अंतर समीकरण का प्रयोग किया जाता है। मैं समझता हूँ ये वीडियो आपके लिए उपयोगी रहेगा। थैंक यू।